टू द चैनल कॉमर्स हीरोज एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की बेसिक्स। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके क्लास 11th के बेसिक्स वीक होते हैं जिसके वजह से क्लास 12th भी नहीं समझ में आती। बोलते हो कि सर क्लास अकाउंटेंसी तो काफी ज्यादा वीक है। फिर आप लोगों को ये भी पता है कि क्लास 11th में तो एक ही बुक होती थी बस अकाउंटेंसी की, लेकिन क्लास 12th में 3-3 बुक्स होती है। और बेसिकली देखो अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट ना काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और बस आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए एंड बहुत ईजी हो जाता है। मैथ्स की तरह इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको मैथ्स के जैसे ना बहुत डिफिकल्ट मान लेते हैं। तो यकीन मानो दोस्तों डिफिकल्ट नहीं है। इस सीरीज को ध्यान से देख लेना। द इंटेंशन टू ब्रिंग दिस सीरीज इज कि आप लोग अगर 11th क्लास के थोड़े से कॉन्सेप्ट से उसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, क्लास 12th में कभी भी अकाउंटेंसी के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास 11th के कॉन्सेप्ट सुन के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं है, तो बार बार मुझे क्या करवाना पड़ता है, 11th का रिवाइज करवाना पड़ता है। इससे अच्छा मैंने क्या करा कि एक बार YouTube के ऊपर पूरी सीरीज डाल दूंगा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लास 11th के जो कि आपको क्लास 12th में जरूरत पड़ती है। इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार कर लोगे ना, अगर आपने क्लास 11th अच्छे से कर भी रखी है फिर भी एक बार रिवाइज कर लो, है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों रहना, एक बार रिवाइज कर लो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की। सर एक्चुअल में अकाउंट्स होती क्या है? अब देखो ये काफी ज्यादा बेसिक है, लेकिन स्टार्ट करेंगे इसी बेसिक्स के साथ। ठीक है, याद साथ में रहना मेरे अच्छे से और एक बार ध्यान से सीरियसली इस सीरीज को देख लेना तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके 11th के स्ट्रांग हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी कि डिफाइन अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब देखो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में भी डिफरेंस होता है, ये भी अभी आपको सिखाऊंगा। डिफरेंस है दोनों में, अकाउंटिंग डिफरेंट होता है, अकाउंटेंसी डिफरेंट, डिफरेंस वर्ड एक डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ध्यान से देखो इस सीरीज को। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, क्या होता है अकाउंटिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो इट इज एन आर्ट। ठीक है, जैसे एक आर्ट होते हैं ना, एक ड्राइंग, एक पेंटर होता है तो उसने भी पेंटिंग सीखी। मान लो एक पर्सन है ए, उसने भी पेंटिंग सीखी, पर्सन है बी, उसने भी पेंटिंग सीखी। अब दोनों को बोला कि भाई पेंटिंग बनाओ, जो भी आपके इमेजिनेशन में है आप एक पेंटिंग बना के दिखाओ। अब भाई ए अलग पेंटिंग बनाएगा, बी अलग पेंटिंग बनाएगा, दोनों सेम थोड़ी ना बनाएंगे। वैसे देखो अकाउंटिंग भी पता क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन आर्ट। ठीक है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है ट्रांजेक्शन को, कैसे समराइज करना है, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, आपका उसका एनालिसिस क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। तो बेसिकली एक इवेंट हुआ, एक ट्रांजेक्शन हुई, आपको उसको क्लासिफाई करना है, आपको देखना है कि भाई ये एक्सपेंस था, रिसिप्ट थी, ठीक है, एसेट है, लाइबिलिटी है, तो क्लासिफाई करना है। और उस बड़े से ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है, एक छोटी सी जर्नल एंट्री, जैसे आपने लेजर आपने पढ़ रखा है क्लास 11th के अंदर, उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो भाई अकाउंटेंसी के अंदर सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आती है, सिर्फ मनी की ट्रांजेक्शन आती है। ठीक है, मनी के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं आती इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। तो जो ट्रांजेक्शन हुई मनी के अंदर उसको रिकॉर्ड करो, जो इवेंट्स हुए विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, उनके अंदर कुछ फाइनेंशियल कैरेक्टर अटैच होना चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स थेरऑफ। जब सब आप इस पूरी ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड कर दोगे फिर पता लगाओ कि वेदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग क्या है? ये एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की। तो बेसिकली देखो ना, आपने क्या करा कि आप पैसे लेकर गए मार्केट में जाके, एक मोबाइल फोन परचेज करके आए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये आपकी इनकम हुई कि एक्सपेंस हुआ। अब देखो बहुत बेसिक है, ये आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो आपने इसको क्लासिफाई करा कि इट इज माय एक्सपेंस, फिर उसको समराइज करोगे। अब देखो एक्सपेंस भी बहुत तरीके के होते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़े थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो इस सीरीज में मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको क्लासिफाई करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उस एक्सपेंस को क्लासिफाई करो। उसका भाई कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि सर मान लो आप अपने पेट से प्यार करते हो, ठीक है, यू लव समवन, तो उसको थोड़ी ना रिकॉर्ड कर दोगे, लव एंड अफेक्शन उसको थोड़ी ना रिकॉर्ड कर सकते हो। हमारे मदर हमारे लिए खाना बनाते हो उसको थोड़ी ना रिकॉर्ड कर देते हैं हम अकाउंटेंसी के अंदर। नहीं सर, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बिजनेस की ट्रांजेक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो। समझे नहीं समझे? ठीक है, इंपॉर्टेंट थी डेफिनेशन, यार स्किप कर जाते हो आप डेफिनेशन को, जबकि आपको डेफिनेशन को पूरा टाइम देना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखो क्या निकल के आता है, अकाउंटेंसी। अभी आपको देखो, अभी मत देखो इस डेफिनेशन को, मत पढ़ो, अपने दिल से पूछो कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, आपको नहीं पता होगा इसलिए अकाउंटेंसी को पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ, अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील
with various aspects of the accounting. It educates us how to maintain the books of accounts and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. So accountancy क्या है? Knowledge. Accounting की knowledge होना उसको क्या बोलते हैं? Accountancy. ठीक है, अकाउंटिंग की नॉलेज होना उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी. तो जैसे मैं आपको अभी क्लास में क्या दे रहा हूँ? नॉलेज दे रहा हूँ. आप इस वीडियो से क्या मिल रही है? आपको अकाउंटिंग की नॉलेज मिल रही है, और उस नॉलेज का को क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी बोलेंगे. समझे मेरी बात? नहीं समझे? अब इस नॉलेज से आप क्या कर पाओगे? सर ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, हम इससे डील कर पाएंगे कि किसी ट्रांजेक्शन को कैसे क्लासीफाई करना है, कौन से अकाउंटिंग हेड में हमें इसको लिखना है. इजी, क्लियर? तो व्हाट इज अकाउंटेंसी? सर अकाउंटिंग की नॉलेज होना इज नोन एज अकाउंटेंसी. ठीक है, चलो आगे देखो. डबल एंट्री सिस्टम. अब बताओ तुम्हें पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता? पूरी क्लास 11th खत्म हो गई, आपको डबल एंट्री सिस्टम का मतलब नहीं पता होगा. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जितना हम डेबिट करेंगे एक ट्रांजेक्शन को, उतना ही इक्वल हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी दूसरी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर कोई भी चीज आप डेबिट कर रहे हो तो उतने से ही एक दूसरी चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी. दैट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. आपकी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी किस प्रिंसिपल पे चलती है दोस्तों? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस के ऊपर चलती है. ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. तो डेबिट भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं. अ ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट. कोई भी एक ट्रांजेक्शन होती है ना, लेट सपोज आप क्या परचेज करके आए, लेट सपोज यू परचेज द मोबाइल फोन, यू परचेज द मोबाइल फोन, उसकी जनरल एंट्री पास क्या करोगे? लेट सपोज वो मोबाइल फोन आपके लिए एसेट है, आपको बिजनेस में हेल्प करेगा, आप उससे ब्लॉगिंग वगैरह करोगे, तो आप क्या बोलोगे? मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट है ना, फिक्स एसेट है आपकी, टू कैश. भाई फिक्स्ड एसेट आ गया तो फिक्स्ड एसेट्स को आपने डेबिट कर दिया, कैश आ गया तो कैश को आपने क्या कर दिया दोस्तों? क्रेडिट कर दिया. ठीक है, तो जितना डेबिट करना उतना ही आपको इक्वली क्या करना है? जितना डेबिट करा उतना ही इक्वल आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. ठीक है, अ ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड द क्रेडिट, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इट इज रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड. तो व्हेनेवर यू आर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शंस, उसका कुछ कंपोनेंट रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे, एंड उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पे. इजी इजी, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. कैपिटल क्या होती है दोस्तों? समझ लो, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है इन वर्ड्स के अंदर भी, इसलिए समझा रहा हूँ. ठीक है, कैपिटल क्या होता है? सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी नीड मनी, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी नीड मनी, और जो मनी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल. That is known as capital. तो देखो capital की definition क्या लिखे? It is the amount invested in an enterprise by the proprietor or by the partner in a partnership firm. देखो बहुत तरीके की businesses होते हैं, partnership business होता है, sole proprietor होता है, HUF होता है, LLPs होती है, बहुत सारा business होता है. अभी मैं बात करूँ कि अगर एक individual बंदा business करता है तो उसको क्या बोलते हैं? Sole proprietor. उसको क्या बोलते हैं? उस बंदे को बोलते हैं sole proprietor. ठीक है, वो बिजनेस में क्या डाल रहा है? अपने पैसे डाल रहा है. वो बिजनेस में जो पैसे जो डाले उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. ठीक है, चलो. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू. अब देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, हो सकता है कि वो पैसे से स्टार्ट कर सकता है, कुछ एसेट्स के स्टार्ट कर सकता है. जैसे मान लो आज आप अपना, लेट सपोज आज आप अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर वगैरह जो आया वो आप पैसे से लेकर आए, एंड आपने वो जो ऑफिस जो स्टार्ट करा, आपने अपना बिजनेस जो स्टार्ट करा वो अपने घर में अंदर ही स्टार्ट करा. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को भी आपने यूटिलाइज कर लिया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो आपने बिजनेस को स्टार्ट करा कुछ मनी के साथ या फिर कुछ एसेट्स के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट करा. ठीक है, तो फर्नीचर वगैरह भी लेकर आओगे, लैपटॉप्स वगैरह लेकर आओगे, आपके अगर बिजनेस में जरूरत पड़ती है तो पैसे के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या किसी एसेट्स के साथ भी बिजनेस आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो. उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल. तो कैपिटल मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है, मनी के साथ भी हो सकती है ना? बोलो बोलो बोलो. विदाउट एसेट्स बिजनेस होगा क्या भाई? लाइट, पंखा, फर्नीचर चाहिए ना. यस, तो उन एसेट्स के साथ हमने बिजनेस को स्टार्ट करा. इट इज लाइबिलिटी. अब देखो ध्यान से समझो. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए क्या है? सर ये लायबिलिटी है कि एसेट है? बहुत से लोग आंसर मेरे को क्या देते हैं कि सर कैपिटल तो पैसा है ना जो हमने बिजनेस में लगाया, तो सर एसेट है, क्योंकि मनी हमारा क्या होता है? एसेट होता है. तो कैपिटल भी हमारी एसेट है. दोस्तों सुनो मेरी बात, छोटी छोटी बातें है, नोट करना. ठीक है, सीरियसली लो अकाउंटेंसी को. सीरियसली नहीं लोगे तो अकाउंटेंसी कभी आपको सीरियसली नहीं लेगी, और 70-75 से ऊपर मार्क्स आएंगे नहीं सर. 70-75 मार्क्स लाने भी आपके लिए क्या हो जाएंगे? मुश्किल हो जाएंगे. ठीक है, तो चलो देखो 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 देखो, सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो क्या होता है.
हम ये जो अकाउंटिंग जो पूरी आप जो बनाते हो क्लास 11th के अंदर, आप पूरी अकाउंटेंसी सीख रहे हो, 12th पूरी आप अकाउंटेंसी सीख रहे हो, तो जो आप अकाउंट्स बना रहे हो वो अपने बना रहे हो कि कंपनी के बना रहे हो? सर कंपनी के बना रहे हैं, बिजनेस के बना रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स नहीं बना रहे। अब तुम समझो जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस एक है बिजनेस और एक हो तो ठीक है, बिजनेस और तो। अब तुम बताओ ये दो अलग अलग लोग है कि सर ये एक ही लोग है? ठीक है, आप और आपका बिजनेस अलग अलग है कि या दोनों जने एक ही है? सर बिजनेस कैसे अलग होगा, हम दोनों एक है? नहीं दोस्तों, बिजनेस अलग होता है, आप अलग होते हो। सर कौन बोलता है सर ये एक प्रिंसिपल बना हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ इस सीरीज के अंदर आएगा, हर चीज मिलेगी आपको। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल दोस्तों? यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अलग है और मालिक लोग क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब तुम सोचो, देखो मेरी बात सुन, तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुमने अपने दोस्त को पैसे दिए, 100 रुपए दिए तुमने अपने दोस्त को, कितने 100 रुपीज आपने अपने दोस्त को दिए। तो ऐसे ही समझ लो आपका जो बिजनेस है ना वो आपका फ्रेंड है, तो आपने बिजनेस को 100 रुपए दिए, तो बिजनेस की क्या लाइबिलिटी है कि वो आपके पैसे आपको वापस करेगा? बिजनेस क्या करेगा? आपके पैसे वापस करेगा। वो पैसा तुम्हारा है कि बिजनेस का? तुम्हारा है, बिजनेस का तो नहीं है, बिजनेस को तो वापस करना है। तो बिजनेस उस 100 रुपए को एसेट रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? लाइबिलिटी की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? लाइबिलिटी की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा ना तुम लोगों को वापस करना है, तुम लोगों को बिजनेस को पैसा क्या करना है? वापस करना है। उसका थोड़ी ना हो गया बिजनेस का, बिजनेस से पैसे नहीं निकालोगे क्या अपने? सर समझ गए सर। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए एसेट है, लेकिन तुमने किसी और को दे दिया, उसके लिए तो लाइबिलिटी है ना। तो जो कैपिटल है इसलिए बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। मैं बच्चों को कंफ्यूज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ यार तुम्हारे ही तो पैसे है, उसको लाइबिलिटी में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? तुम्हें थोड़ी ना किसी को देनी है, एसेट में रिकॉर्ड कर दो। बेचारे मासूम बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से कैपिटल को उठाकर और एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है दोस्तों, ताकि तुम्हें फिर एग्जाम के अंदर ना कंफ्यूजन नहीं होते। तो ये सोचो तुम्हारा पैसा नहीं है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस ने तुमसे पैसे लिए, तुम्हें उसको वापस कर दे, ठीक है। तो इट इज अ लाइबिलिटी बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। दूसरी स्लाइड हो गई, चलो। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, समझ गए। इस स्लाइड को पढ़ लोगे कैपिटल समझ में आ जाएगा, कैपिटल क्या होती है क्या नहीं होती। नेक्स्ट आ जाओ, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग वाली बात नहीं कर रहा दोस्तों, ड्रॉइंग्स पेंटिंग वाली बात नहीं कर रहा। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? एज पर अकाउंटेंसी ड्रॉइंग्स का मतलब होता है तुमने मजे मारने के लिए अपने बिजनेस से क्या करा, पैसे निकाल दिए। अब देखो जैसे ये फोटो, पार्टी की फोटो, तुम लोगों को दोस्तों के साथ पार्टी करने जानी थी, तुमने पापा की शॉप पर गए और उनका बेसिकली ड्रॉअर से पैसे ही पैसे पड़े हुए थे, तुमने पैसे निकाले और चले गए पार्टी करने के लिए। अब इसको क्या बोलेंगे? देखो बिजनेस से अगर पैसा निकाल रहे हो आप फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो फॉर पर्सनल पर्पस, अब जरूरी नहीं है वो पार्टी के लिए निकालो, किसी भी चीज के लिए निकालो, लेकिन पर्पस क्या है? पर्सनल पर्पस, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। लेकिन बिजनेस से पैसा निकाला बिजनेस में यूज करने के लिए, उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस। बिजनेस के ड्रॉअर से पैसा निकाला बिजनेस करने के लिए, या कुछ फर्नीचर लाना है बिजनेस के लिए, कोई एसेट लेकर आनी है, वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो किसी पर्सनल पर्पस के लिए, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। तो ड्रॉइंग इज द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट, किस पे वैल्यू करोगे दोस्तों? एट परचेज कॉस्ट के ऊपर। ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द ओनर। जितनी आप ड्रॉइंग करते रहोगे तो बिजनेस का कैपिटल क्या होता जाएगा? आपका कम होता जाएगा। यार तुम बताओ ना, तुमने बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख रुपीज डाला बिजनेस के अंदर, तो आपकी वो कैपिटल कितनी होगी? बिजनेस के लिए कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख रुपीज की। अब तुमने साल के बीच में बिजनेस से दो बार दो दो लाख रुपए निकाल लिए, दो बार दो दो लाख रुपए निकाल लिए, टोटल कितने पैसे निकाल लिए? पर्सनल पर्पस के लिए सर 4 लाख रुपए निकाल लिए। अब बिजनेस एक साल के बाद तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? 10 लाख, 10 लाख वापस करेगा बिजनेस तुम्हें? नहीं, कितने वापस करेगा? सर 10 में से 4 तुमने निकाल लिए ना, 6 लाख ही तो वापस करेगा। तो जब भी आप ड्रॉइंग्स करते हो बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो आप क्या करते हो? कैपिटल में से माइनस कर, ठीक है। चलो देखो सारी चीजें बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, सीरियसली कर लोगे सब क्लियर हो जाएगा। मैं सारा क्लियर करवा दूंगा, एक चीज नहीं छोड़ूंगा। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होता है? सर हमें पैसा, हमने किसी से मनी ली,
और हमें उसको क्या करनी है, वापिस करनी है। तो जो हमने किसी से पैसे लिया, हमें जो वापिस करना है डेट इज नोन एज लाइबिलिटी। तो आई ओ समवन, तो मैंने अगर किसी से पैसे लिया तो आई ओ टू समवन, देखो टेक्निकल वर्ड्स भी समझो। अगर मैं किसी से पैसे लेता हूं तो आई कैन से कि आई ओ टू समवन, लेट सपोज मैंने राजू से मैंने 10 लाख रुपए लिए, तो आई ओ टू राजू 10 लाख रुपीज। कितना ओ करता हूँ मैं राजू को? 10 लाख रुपए ओ करता हूँ दोस्तों, ठीक है। आई ओ टू राजू 10 लाख रुपीज। तो वट इज लाइबिलिटीज? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। Liability towards owners of the businesses, ध्यान से देख रहा। देखो liability भी business के अंदर दो तरीके की होती है, बहुत तरीके की होती है। एक होती है internal liability, एक होती है external liability। सर मतलब सर पहली बार सुन रहे हैं हम internal liability, external liability, मैं समझा रहा हूँ ना, सुन तो लो। तो अगर owners ने जो business में पैसे लगाए वो क्या होता है? Capital। Capital भी business के लिए क्या है? एक तरीके से liability। लेकिन ये liability किसकी है? Owners की ना। Owners की liability को बोलते हैं internal liability। लेकिन अगर बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, कहीं से भी पैसा लिया, किसी थर्ड पार्टी से पब्लिक डिपॉजिट्स लिया, कुछ भी लिया, पब्लिक से पैसे लिए, बैंक से लिए, डिबेंचर्स इशू करे, कुछ भी करा, मालिकों का पैसा नहीं था वो, ओनर से पैसे नहीं लिए, ओनर्स के अलावा किसी से भी पैसे लिए, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वो क्या हो जाता है बोलो? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या हो जाता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो जो मालिकों का पैसा था, ओनर्स का पैसा था, वो बिजनेस के लिए क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। बाहर वालों का जो पैसा है, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। चलो आगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखो लाइबिलिटीज और दो टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ हो गई। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है करंट लाइबिलिटी। देखो अकाउंटेंसी ना बहुत बार नाम से आप समझ जाते हो क्या करना है क्या नहीं करना। नाम को समझ लो एक बार। देखो नाम क्या लिखा हुआ है? नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक लिखा है करंट लाइबिलिटी। करंट 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 बहुत जल्दी फ्लो करता है नहीं करता? ये सर करंट की स्पीड तो बहुत तेज होती है। करंट को कभी देखा है? नहीं देखा सर। तो करंट लाइबिलिटी को कभी? सर करंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसा होता होगा कि हम उसको जल्दी से पे करते हैं, हम उसको जल्दी से पे करते हैं। यस, करंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी जो कि आपको पे करनी है विद इन 12 मंथ्स। कितना पे करना है? 12 महीने के अंदर उसको आपको पे करना। तो करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन, बोलो बोलो, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो साल खत्म होने के बाद, तो ये आप कब से देखोगे? ये आप 31 मार्च से देखते हो। तुम लोग पता है क्या करते हो? तुम एक छोटा सा जो है ना, देखो हाफ नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। कैसी नॉलेज? डेंजरस नॉलेज। तो तुम लोग डेंजरस वाला खिलाड़ी हो। तुम लोग पता है क्या करते हो? अगर मैं तुम लोगों को बोलू, सर बोलो तो सही, अगर मैं तुम्हें बोलू कि सर 31 जुलाई 2021 के अंदर आपने एक लाइबिलिटी ली, ठीक है, और आपने उसको जो पे जो करना है, आपको पे करना है इसको 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 30th of September 2022। अब मैं आपसे पूछूंगा, देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूंगा कि सर ये करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है? तो तुम लोग क्या बोलोगे? ए क्या करोगे? 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, तुम्हें क्या लगा कि सर ये तो एक साल से ज्यादा हो गया? तुम लोग क्या बोलोगे? सर 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 ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। लेकिन दोस्तों आंसर गलत है, 100% मैं बोल रहा हूं आप लोगों ने इसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोला होगा। सच्ची में ना बोलो, गलती को एक्सेप्ट करा करो। आपको यहां से नहीं देखना, आपको देखना है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो ये वाला जो अकाउंटिंग ईयर, कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? सर 21-22 वाला अकाउंटिंग ईयर है। स्टार्ट कब हुआ? सर ये स्टार्ट हुआ 1/4/21। फिनिश कब होगा? 31/3/22। इस दिन फिनिश होगा? तो जिस दिन फिनिश होगा ना, उस दिन से 12 महीने देख रहे हैं आपको। फिनिश कब हो रहा है? 31/3/2022। अब लाइबिलिटी कब पे करनी है? 30 सितंबर 2022। बोलो कितने महीने हुए? सर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने महीने हुए दोस्तों? 6 महीने। लाइबिलिटी कितने महीने में पे करनी है? 6 महीने में पे करनी है। कौन सी लाइबिलिटी हो गई? करंट लाइबिलिटी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे ख्याल से? अब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है? डन, पक्का, प्रॉमिस। कमेंट करके बताओ फिर, अगर अभी पहली बार तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो। आपको देखो कब से देखना है? देखो डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो पहले एंड पर तो पहुंच जाओ। तो 31 मार्च से 12 महीने के अंदर अंदर अगर तुम पे कर रहे हो तो करंट लाइबिलिटी है दोस्तों। उसके बाहर अगर आप जा रहे हो तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है।
ठीक है, पक्का प्रॉमिस, अच्छा लग रहा है। चलो, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, एक साल के बाद जो आपको पे करना है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझाया। छोटा सा आपका एक क्लियर, आप थोड़ा सा एरर कर देते हो, वो भी मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी। ठीक है, चलो आगे। एसेट्स 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 एसेट्स, तो मैं बेचा क्या करता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ यार एसेट्स बताओ यार क्या होते हैं एसेट्स। ट्वेल्थ का बच्चा आता है ट्रायल क्लास लेने के लिए, पूछता है सर, मैं उससे पूछता हूँ बेटा एसेट्स क्या होता है, तो कहते हैं सर पंखा हो गया सर, लाइट्स हो गई सर, फर्नीचर हो गया सर, ये मेरा एसेट है। ठीक है, उसने बोला सर इस रूम के अंदर जो भी आपके पास जो भी रखा है ये सारा आपका एसेट। मैंने कहा अच्छा, तो ये चीज सही है क्या? सर ये चीज एकदम ही एकदम गलत, हर चीज एसेट नहीं होती, हर चीज एसेट नहीं होती। देखो क्या लिखा हुआ, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द नेचर। सर ऐसी चीज जो मुझे बेनिफिट देगी फ्यूचर में। सर कौन सा बेनिफिट? कमा के देगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके देगी, वो चीज मेरे लिए क्या है? बोलो बोलो, एसेट है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें मेरे लिए कोई एसेट मायने नहीं रखती। ठीक है, उसके लिए बाकी और कोई चीज मेरे लिए एसेट नहीं है। यार सीधी सी बात है, कोई ऐसी चीज जो मुझे अर्न करके दे, जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके दे, वो मेरे लिए एसेट है। ठीक है, देखो घर में गाड़ी है, दो गाड़ी, एक है ऑफिस वाली गाड़ी, एक है गाड़ी जिसमें आप पार्टी करने के लिए जाते हो दोस्तों के साथ। अब जिस गाड़ी में आप पार्टी करने के लिए जाते हो दोस्तों के साथ, वो क्या आपकी एसेट हो गई? नहीं सर, वो आपकी एसेट थोड़े कमा के थोड़ी ना दे रही, उसको तो बल्कि आप क्या कर रहे हो, खर्चा करके आ रहे। लेकिन वो जो एसेट है, जैसे पापा के जाते हैं ऑफिस जाते हैं, वो कार क्या है? हमारे लिए एसेट है, है ना। अगर वो कार ही ना हो तो पापा ऑफिस कैसे जाए, काम करने कैसे जाए सर? ठीक है, पैसे कैसे आएंगे? तो वो कार क्या है? एसेट है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? ठीक है, आगे। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। लेकिन याद रखो, देखो बुक में ऐसे डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो आप ओन करते हो, ठीक है, आप उसके ओनर हो। लेकिन अगर वो आपने रेंट पे भी ले रखी है, अगर आपने रेंट पे भी ले रखी है, तब भी वो आपकी क्या हो जाती है? एसेट होती है। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको अर्न करके देती है। ठीक है, इट मे बी टैंजिबल फॉर्म और इनटैंजिबल फॉर्म। तो देखो एसेट्स और कितने तरीके की होती है सर, एक टैंजिबल एसेट होती है, एक इनटैंजिबल एसेट होती है। टैंजिबल एसेट कौन सी होती है बता दो फिर, कौन सी होती है टैंजिबल एसेट? टैंजिबल एसेट सर वो वाली एसेट होती है जिसको सर हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो टैंजिबल एसेट। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट सर हम जिसको देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट, दैट इज नोन एज इनटैंजिबल एसेट सर। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये हमारा क्या हो गया? इनटैंजिबल एसेट। ये भी ठीक है, समझे मेरी बात? क्या होता है टैंजिबल एसेट, क्या होता है इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, तो इनटैंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, इसको थोड़ा इसकी डिटेलिंग भी देखा करो कि सर कॉपीराइट एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेडमार्क एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, गुडविल आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जैसे लेट सपोज मैं आपको नॉलेज देके अर्न कर रहा हूँ, तो इट इज माय नॉलेज इज इनटैंजिबल एसेट फॉर मी, है ना। मेरे लिए और एसेट क्या है? मेरी नॉलेज। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। यार उस एसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना। अगर मान लो अगर किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है, तो आप उसको फिर फ्री में परचेज करके लाए, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वो चीज आपको पता नहीं अर्न करके दे रही है नहीं अर्न करके दे रही, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। देखो अगर वैल्यू नहीं होगी तो उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे? हमने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर, के भाई अकाउंटिंग उसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो। चलो चलो चलो, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, तो चलो देखो एसेट क्या होती है। एसेट सर हमने ओन करनी चाहिए, ठीक है, वी शुड बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। सर एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ टैंजिबल एसेट, वन इज अ इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी सीन एंड व्हिच कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड। इनटैंजिबल एसेट्स आर व्हिच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। ठीक है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इनटैंजिबल एसेट्स की, और उस एसेट की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं होगी, अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होगी, तो उसको मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करूंगा? ठीक है, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स, और मनी टर्म्स में आप उसको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। जब भी तो आप क्या करोगे उसको अपने अकाउंट बुक के अंदर क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, आगे आगे एसेट्स। देखो एसेट्स और कितने तरीके की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स आती है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती है टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। अब मैंने इनकी ना डेफिनेशन नहीं लिखी जानबूझ के, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और करंट एसेट्स होती है, और करंट एसेट्स के बाद कौन सी एसेट्स होती है? फिक्टिशियस एसेट्स। तो तीन एसेट्स, तीन एसेट्स। पहला क्या क्लासिफिकेशन है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और एक क्या हो गई? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, कौन सी हो गई? फिक्टिशियस एसेट्स।
तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या लिखोगे आप सर? नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है? देखो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो आपने परचेज करी है लेकिन आप उसको बेचोगे नहीं। आप उसको क्या करोगे, बिजनेस में उससे अपनी अर्निंग कैपेसिटी को और इंक्रीज करोगे, सालों साल उसको अपने बिजनेस में क्या करोगे, यूज करोगे। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको परचेज करने का ही पर्पस है कि सर मैं उसको बेच दूंगा। एक कार डीलर है, एक कार का शोरूम है, उस बंदे ने कार को परचेज करा। अरे उसने कार को क्यों परचेज करा? क्योंकि वो उस कार को सेल करना चाहता है। उस कार को वो क्या कर देगा, बोलो जल्दी से, सेल कर देगा, ठीक है। लेकिन एक मैं कार का डीलर नहीं, मैं कार परचेज करूंगा। मैं कार क्यों परचेज करूंगा? क्योंकि मैं उसको यूज करूंगा बिजनेस के अंदर, अपने ऑफिस के अप एंड डाउन करने के अंदर मैं उसको क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मेरे लिए वो कोई करंट एसेट्स नहीं है, मेरे लिए वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। लेकिन शोरूम वाले भैया के लिए जिन्होंने कार ली, वो उसको कार क्यों खरीदी, उन्होंने बेचने के लिए, उनके लिए वो क्या है, करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स है, जिसको सर हमने खरीदा है, सालों साल बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे और वो एसेट्स हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, तो दैट इज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, ये अभी आपको समझाएंगे। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स आते हैं, जो टैंजिबल और इनटैंजिबल होते हैं वो मैंने आप लोगों को क्या करा, एक्सप्लेन करा, ठीक है। चलो अब बिजनेस के अंदर ना कुछ एक और वर्ड होता है, रिसीप्ट्स, ठीक है, रिसीप्ट्स। आप इसको क्या बोल सकते हो, रिसीप्ट्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रिसीप्ट्स, ठीक है, रिसीप्ट्स। तो रिसीप्ट्स का मतलब क्या होता है, मनी का इनफ्लो होना, पैसे आना। अगर मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ या अगर मैं किसी को कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास की मैं क्या दे रहा हूँ आपको, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आपके पास से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, मेरे लिए क्या है, इनकम। तो वो जो इनकम है, पैसे आएंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, रिसीप्ट्स, ठीक है। तो व्हाट इज रिसिप्ट, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, पैसा जो मिलेगा गुड्स को बेच के या फिर सर्विसेज को बेच के या एसेट्स को सेल करके। रिसीट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, देखो रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी क्या होती है, हमारी कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, ध्यान से देखो, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या इन सेल ऑफ गुड्स और एंटरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नहीं समझ में आया, ऊपर से गया, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर 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 ध्यान से देखो। देखो एक बार जब बैठते हो ना वीडियो को ऑन करते, तो एक जगह बैठ जाया करो, अब आदत बनाया करो कि वीडियो के साथ साथ जो है ना कुछ लिखो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो देयर आर सम हैबिट्स, अगर आप क्या कर रहे हो, बेड पे बैठ के देख रहे हो आराम से वीडियो, कभी समझ में नहीं आएगा, कभी नॉलेज ढंग से प्रॉपर वो जाएगी नहीं। आपको जल्द क्या करना चाहिए, एक छोटा सा नोटबुक बनाओ अपने और उसके अंदर जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ उसको इनकॉर्पोरेट कर लो, उसी टाइम उसको क्या कर लो, रिटर्न डाउन कर लो अपने नोट्स के अंदर। देखो मैं पैसे अर्न करता हूँ फ्रॉम बाय गिविंग क्लासेस, तो क्लासेस इज माय गिविंग क्लासेस इज माय मेन बिजनेस। तो अगर उस क्लासेस से अगर मेरे पास क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्लासेस देके अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं, वो क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब मान लो मेरा एक नेबर है, नेबर को अपनी प्रॉपर्टी सेल करवानी थी, तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी को सेल करवाया और उस बंदे से मैंने क्या ले ली, कमीशन, ठीक है। अब वो क्या मेरा नॉर्मल बिजनेस है, क्या मेरा बिजनेस है क्या कि प्रॉपर्टी लोगों की सेल करवाना कमीशन, नहीं सर। तो ये जो पैसे आए ये क्या है, मेरी कैपिटल रिसिप्ट, क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो अगर बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, आपका जो भी बिजनेस हो सकता है, आप कोई गुड्स को सेल कर रहे हो, आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, जो आपका मेन बिजनेस है, उससे जो पैसे आए वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। बाकी अलावा किसी भी चीज से पैसे आए, तुम रास्ते में जा रहे थे, किसी का वॉलेट गिरा हुआ था, उसके अंदर तीन नोट थे पिंक वाले गांधी जी के, तुमने उठा लिए, पार्टी कर ली, वो कौन से पैसे हो गए, कैपिटल रिसिप्ट। कौन से पैसे, कैपिटल रिसिप्ट। तुमने लॉटरी खरीद ली 2 करोड़ की, तुम्हारी लॉटरी निकल के आई, कौन से पैसे हो गए, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि बिजनेस थोड़ी ना है ना हमारा, ठीक है। तो व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू के अलावा, मतलब बिजनेस के अलावा जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो क्या है, आपकी कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी को सेल कर दिया, भाई मशीनरी बेचना थोड़ी ना मेरा बिजनेस है, या बिल्डिंग बेच दी, या मैंने अपना फर्नीचर सेल कर दिया, दैट इज नॉट माय बिजनेस। मशीनरी मान लो कि उसके लाइफ हो चुकी है, तो मुझे उसको बेचना है, तो मैंने उसको बेच दिया, तो उससे पैसे आए अब मेरे पास, हो सकता है कोई स्क्रैप में बेचा हो, कुछ पैसे आए मेरे पास, तो वो क्या है, कैपिटल रिसीव, लेकिन वो मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर्स। अब दोस्तों देखो, एक्सपेंडिचर भी कुछ तरीके के होते हैं। अब एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आपको कुछ और थ्योरी मिलेगी, उसके बाद एक दो क्लासेस आपको थ्योरी रहेगी। तो बेसिकली क्या होगा कि 2-3 वीडियोस थ्योरी आएगा,
उसके बाद 3-4 क्लासेस में मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकल्स, जैसे कि आपको जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेजर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको क्लास 12th के अंदर ना कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो को अच्छा आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। दोस्तों के साथ वैसे सारी चीजें तो शेयर करते हो, लेकिन अच्छी चीजें शेयर नहीं करते जिससे उनका भी फ्यूचर ब्राइट होगा। तुम्हें समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना भाई। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है, तुम्हारे दोस्तों के कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे, उनके भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, पक्का प्रॉमिस। चलो बाय बाय।